हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कल के स्टॉक्स और जानेंगे मार्केट इस लेवल पे कैसे ट्रेड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज निफ्टी 17,225 पे एक ऑल टाइम हाई फॉर्म करने के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और फाइनली हम इसे 17,076 के लेवल पे क्लोज होता हुआ देख सकते हैं। इवन बैंक निफ्टी 37,000 के लेवल पे यहाँ पे एक हाई फॉर्म करता है और फाइनली इसे हम 36,574 के लेवल पे क्लोज होता हुआ देखते हैं। सो अभी अगर देखा जाए तो फ्यूचर लेवल से कल हमें एक शॉर्ट कवरिंग के वजह से एक गैप अप ओपनिंग इसमें दिखाई दे सकती है और उसके बेसिस पे कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे लेने से हमें अवॉइड करना है। और इवन ग्लोबल मार्केट में भी हम यहाँ पे एक मार्जिनल अपसाइड करेंटली देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से लेवल्स हैं जिसपे कल हम अपना ट्रेड कंसिडर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले अगर देखा जाए तो निफ्टी यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पे थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन क्योंकि हम 17,050 के लेवल के ऊपर हैं तो इसमें कल यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे अगर यहाँ पे 17,100 रिक्लेम होता है तो आपको यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 17,200 तक एक हाई फॉर्म करता हुआ फिर से दिखाई दे सकता है। इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं ओआई बिल्डअप को तो यहाँ पे 17,000 के लेवल पे हमें अभी भी एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिलता है और अगर यहाँ पे 17,000 पे थोड़ी बहुत कॉल्स यहाँ पे बाइंग आती है तो आपको ये 17,100 के ऊपर ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बेसिस पे कल आपको एक ह्यूज अपसाइड अगर देखने को मिले ओपनिंग के वक्त तो आप 17,000 का एक इन द मनी कॉल बाय कर सकते हैं और इन केस यहाँ पे 9:30 तक अगर 17,100 यहाँ पे सस्टेन होता है तो हम 17,100 का भी एक इन द मनी कॉल को बाय कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी पे तो ये 37,000 के लेवल पे आज एक हाई फॉर्म करता है। सो अभी अगर देखा जाए तो 36,500 का लेवल इसके लिए एक ह्यूज सपोर्ट लेवल है इमीडिएट बेसिस पे। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो हम कल इस लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे एटलीस्ट 300 पॉइंट्स का एक अपसाइड यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है। अभी अगर देखा जाए तो ऑयल बिल्डअप से हमें 36,500 के ऊपर एक ह्यूज कॉल राइटिंग पुट राइटिंग अभी के लिए देखने को मिलता है। सो अभी अगर हायर लेवल्स पे थोड़ी बहुत कॉल्स अनवाइंड होती है तो आपको 36,800 के लेवल तक कल एक रैली इसमें देखने को मिलेगा। सो अभी अगर देखा जाए तो हम एक्सपायरी को देखते हुए 36,500 का एक इन द मनी कॉल को इसमें बाई कर सकते हैं और अगर 36,700 के लेवल के ऊपर ये मूव करता है तो आपको इसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग करना कंसीडर करना होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं वो कौन से चार स्टॉक्स हैं जिसमें हम कल अपना ट्रेड कंसीडर करने वाले हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला स्टॉक है ये है हैवल्स, जो कि आज यहाँ पे एक रिकॉर्ड रैली के साथ अपना एक नया 52 वीक हाई के लेवल को टच किया और अगर देखा जाए तो ये पुल बैक के बाद बार बार आज इसमें एक अपसाइड हमें देखने को मिला है और ये करंटली अपने पुल बैक का जो सेल ऑफ था उसे ये कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर चुका है। सो अभी अगर ये 13,040 के लेवल के ऊपर कल सस्टेन करता है ओपनिंग के वक्त तो आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं 1360 का एक टारगेट को देखते हुए और आपको यहाँ पे 12 रुपी का एक स्टॉप लॉस इसमें कंसिडर करना चाहिए और अगर 1360 अगर यहाँ पे अचीव होता है तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और उस केस में आपको अप टू 1365 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो अगला स्टॉक है यह है DLF और क्योंकि आज यहाँ पे ओवरऑल रियल इस्टेट स्टॉक्स में एक काफ़ी अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिला तो कल भी हमें ओवरऑल इस सेक्टर में थोड़ी बहुत और बुलिश सेंटिमेंट दिखाई दे सकती है। अभी अगर देखा जाए तो स्टॉक अपने ऑल टाइम 52 वीक हाई को धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है और अभी अगर देखा जाए तो ये जो रैली है ये हमें सस्टेन होता हुआ आगे दिखाई दे सकता है क्योंकि एवरी सिंगल डे हम इसमें एक हायर हाईस का फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो अगर
कल ये स्टॉक हमें 335 का लेवल को फिर से यहाँ पे रिक्लेम करता हुआ देखने को मिले, तो हम एटलीस्ट 340 और 345 तक के लेवल्स को एज ए टारगेट इसमें कंसिडर कर सकते हैं। एज ए स्टॉप लॉस आपको चाहिए 4-5 रुपी का एक स्टॉप लॉस, और जो लोग यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड लेंगे वो लोग 3 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टॉक है यह है IEX, जिस स्टॉक में पिछले कुछ पीरियड से काफ़ी अच्छा अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको एटलीस्ट 10-15 रुपी का एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, और आज ऐसा होने के बाद हम स्टॉक में फिर से एक मेजर रैली को एक वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ क्लियरली इसमें देख सकते हैं। तो अभी अगर ये स्टॉक हमें 560 के लेवल को सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो ये स्टॉक कल फिर से आपको 570 और 575 तक के लेवल्स दिखा सकता है, और उसके बेसिस पे आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इसमें कंसिडर कर सकते हैं। एज ए स्टॉप लॉस आपको एटलीस्ट 6 रुपी का एक स्टॉप लॉस कंसिडर करना है, और आगे आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक करते वक्त अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल स्टॉक है ये बिलोंग करता है सीमेंट सेक्टर को, तो आज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सभी स्टॉक में, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में हमें एक अच्छा अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला। रियल इस्टेट और सीमेंट स्टॉक्स में भी हम आज एक ह्यूज अपसाइड को क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। सभी क्योंकि ये स्टॉक आज गैप अप ओपनिंग के बाद अपने डे हाई के लेवल के जस्ट नीचे क्लोज हुआ है, तो अभी इस स्टॉक में कल आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। इन केस अगर ये 176 के ऊपर ओपनिंग दे और एटलीस्ट 5 मिनट तक अगर ये इसे सस्टेन करता है तो आपको 180 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकता है, और उसके बेसिस पे आप इसमें एक स्कैल्प ट्रेड लॉन्ग साइड में कंसिडर कर सकते हैं। सो आइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो इज helpful for you, and if you find this video helpful, don't forget to like and subscribe, and for more such content click the notification bell. So until next time, keep watching, and I will see you in the next one.